देश को ट्रेनी आईपीएस अफसरों को पीएम मोदी ने दिया मंत्र, कहा कि युवाओं में जोश की दिशा को देश की जरूरत है। आईपीएस अफसरों के कंधों पर देश की बड़ी जिम्मेदारी। सीएम शिवराज ने छात्रों के साथ किया संवाद, स्कूल खोलने के बाद के हालातों पर की चर्चा, कहा कि कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर की मान्या साहू से चर्चा की, साथ ही मान्या के उज्जवल भविष्य के टिप्स भी दिए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कहा कि मध्य प्रदेश सरकार पारदर्शिता से प्रदेश चला रही है, नकली लेटर पैड पर जो अनुशंसा हुई है उनकी पूरी जांच करेगी। कोरोना संकट और वैक्सीनेशन को लेकर कहा कि रोजाना बड़ी संख्या में टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन जारी है। छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त से सभी शासकीय और निजी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित होनी शुरू हो जाएंगी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल का विश्वविद्यालयों को आदेश, कहा कि अलर्ट रहे विश्वविद्यालय, बनाए जाएं कोविड सेल, स्थिति की लगातार की जाए निगरानी। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के शानदार जीत, महिला हॉकी टीम ने साउथ अफ्रीका को 4-3 से हराया, क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीद अभी भी बरकरार। डिस्क थ्रो में पटियाला की कमलप्रीत कौर का धमाकेदार प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त के भाषण के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। पीएमओ ने ट्वीट में लिखा कि आपके विचार लाल किले की प्राचीर से गूंजेंगे। भिंड में जेल की दीवार गिरने से बड़ा हादसा, 21 कैदी हुए घायल, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। तेलंगाना के सिकंदराबाद में आरपीएफ कांस्टेबल ने ट्रेन में चढ़ते समय प्लेटफॉर्म और कोच के बीच फंसी महिला की जान बचाई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, उनके खिलाफ थाने में नगर पुलिस स्टेशन ने पैसा वसूली का केस दर्ज किया है। पेगासस स्पाईवेयर की मदद से जासूसी पर मचे बवाल के बीच इससे बचाने वाली इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप ने इसके इस्तेमाल के लिए कई सरकारी एजेंसियों पर रोक लगा दी। बैंक से होने वाले लेनदेन रविवार को छुट्टियों के दिन भी हो सकेंगे, आरबीआई ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सिस्टम को 7 दिन चालू रखने का फैसला किया। एक अगस्त से एटीएम का इंटरचेंज फीस 15 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए कर दिया गया है, जबकि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर भी शुल्क 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए कर दिया गया है। हर महीने की पहली तारीख को केंद्र सरकार एलपीजी सिलेंडर की कीमत की घोषणा करती है। पिछले महीने सरकार ने 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 25.20 रुपए की बढ़ोतरी की थी। देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश ने पिछले 10 दिनों में तबाही मचा रखी है, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और सिक्किम से लेकर महाराष्ट्र और बंगाल भी इसकी चपेट में आ गया है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भारी बारिश की वजह से शनिवार को लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर सामने आया, यहां पर पहाड़ी खिसकने की वजह से नेशनल हाईवे तबाह हो गया। पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश ने कहर बरपाया है, बारिश के कारण पहाड़ों में दरार आने से मलबा सड़कों पर आ गिरा।
आईएमडी ने उत्तराखंड में भी 2 अगस्त तक बारिश की संभावना जताई है। उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश की संभावना। चंबा में हुई मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ दरकने का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार को चुराह में चरणा में एक पहाड़ी दरकने से काफी मलबा नाले में गिर गया। हरियाणा के पंचकुला में तेज बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सेक्टर 16, 17 और 19 समेत कई इलाकों में घरों में पानी घुसा। राजस्थान के नावा के पास बारिश की वजह से गुढ़ा साल्ट और गोविंद रेलवे ट्रैक पानी में बह गया। जयपुर के रेनवाल में बारिश का दौर लगातार जारी है और इस वजह से कई जगहों पर पानी भर गया है।